वेलकम टू ब्लॉग गाइस। अभी हम लोग आ गए हैं ओल्ड मैकडॉनल्ड के फार्म पे। मेंस इस सीजन का फर्स्ट फार्म विजिट है और हमारे हाँ बोलो चेरी एंड हम लोग जा रहे हैं पिक करने आइदर चेरी आइदर ब्लूबेरी। We are on the farm. Welcome to Togas Family Farm. We're going to pick cherries. So, इस फार्म का नाम है Togas Family Farm या Togas Family Farm, जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे। ये बोस्टन से एक घंटे की दूरी पे है, 495 सर्किल के पास में। बहुत अच्छा फार्म है, पिछले साल भी हम लोग आए थे। बहुत बड़ी पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। इधर भी पूरा दूर तक पार्किंग का है। फार्म इनका बहुत बड़ा है, तो किधर कौन सा फ्रूट है, क्रॉप है, उसके हिसाब से ये लोग करते हैं। इधर हम लोग पिछली बार गए थे एप्पल वगैरह के लिए, तो इसको ये ईस्ट एंट्रेंस है, इसका वेस्ट एंट्रेंस भी है। और सुबह का 10 बज रहा है, काफ़ी लोग आ गए हैं, पार्क पूरा भरा हुआ है। कुल डूड ओके। हमारी टीम प्लान करके आई थी कि चेरी पिक करना है, और यहाँ आए तो पता चला कि ओनली ब्लूबेरी है, चेरी कल खत्म हो गया। अभी बोल रहे कि हमें चेरी पिक करना है। यहाँ का फार्म विजिट काफ़ी कॉस्टली होता है एंड बहुत अच्छा बिजनेस होता है। इंडिया में भी हर एक छोटी बड़ी सिटी में ऐसा होना चाहिए। बड़ी सिटी में कई जगह पे है, सुना हूँ, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। एटलीस्ट लखनऊ में था तो वहाँ पर तो कभी नहीं देखा था। हम तीनों लोगों का मिला के $46 इंट्री फीस है। 46 बहुत ज़्यादा है। इसमें हम यहाँ पे 2 LB ले सकते हैं, 1-1 LB वो लोग ले सकते हैं। सो टोटल अगर देखें तो क्वार्टर नो वो पेनी है। कच्चा एप्पल है, चलिए दिखा देते हैं भाई। वी गॉट अ नाइस राइड, वेरी नाइस राइड। उधर चलो चलो अभी हम लोग ब्लूबेरी के फार्म में आ गए हैं और देख सकते हैं ब्लूबेरी काफी अच्छी पक्की सब तरह की है। यहाँ पे जो फार्म अटेंडेंट थी वो भी ट्विन्स है, बोली है कि जाओ मेरे ट्विन्स से मिलो। दोनों आई थिंक सिस्टर हैं, वो एक इधर काम कर रही है एक उधर। हम लोग सुबह आए हैं बट आई थिंक 1-2 घंटे में पूरा फार्म भर जाएगा, चारों तरफ पूरा लोग पिक कर रहे हैं। एंड मैं बोल रहा था दिस इज़ ए गुड बिजनेस, अपना फार्मिंग कीजिए, फार्मिंग में लोगों को ऐसे भी पिक करने के लिए इन्वाइट कीजिए। सो जो रेगुलर सेलिंग प्राइस होता है उसके कंपेरिजन में फार्म में आके हम लोग पिक करते हैं तो ज़्यादा प्राइस देते हैं। $46 में काफ़ी मार्केट में पिक कर सकते हैं, बट फार्म से पिक करने का अलग मज़ा होता है, इसीलिए सब लोग आते हैं। पापा can look like a machine. पापा बोलिए। This is broken. He's crying too much. Crying तो उसको eat खा जाओ। No, why he cry too much more? नहीं, blueberry cry नहीं करती। अगर blueberry को खाओगे ना तो she will say thank you. Okay. Then when we throw it, she'll cry. ये बताओ कि ये नेट क्यों लगाई गई है ऊपर? Please, when bird come inside here, you सो बर्ड से प्रोटेक्शन के लिए ऊपर नेट लगा दिए हैं ताकि बर्ड्स आके बेरी को ख़राब ना करें। और ऐसे पूरा एक जगह से एंट्री का है उधर से। सो अभी हमारी टीम इतना पिक की है। कहाँ लेके जा रहे हो? ओके थैंक यू। ये इंडिया में सिटी से 40-50 किलोमीटर की दूर पे अगर जिसके पास 4-5 एकड़ जमीन है, इस तरह का फार्म बिजनेस करना बहुत अच्छा आइडिया है। लोग फार्म में विजिट करने आते हैं, जो पिक करते हैं उसके लिए पैसा देते हैं और ठीक ठाक पैसा देते हैं। जैसे यहाँ पे जितना हम लोग को ब्लूबेरी मार्केट में मिलेगी उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसलिए देते हैं कि बच्चों को थोड़ा सीखने को मिल जाता है कि फार्म में चीज़ें कैसे ग्रो होती हैं। प्लेग्राउंड की तरफ भी हो जाता है, आके नेचर से कनेक्ट होते हैं, थोड़ा सा पिक किया है सब तो बहुत अच्छा लगता है। और हम दिखाने जा रहे हैं आपको एरियल व्यू ड्रोन से कि कितना बड़ा फार्म है। Thank you.
अमर की गोंदी में समीर लेटा हुआ है। मम्मा अपने बेबी को खिला रहे हो क्या? No. No, तो क्या हो रहा है? I'm eating it. Okay. Guys. Huh? I was trying to pick it, but it fell down in my box. Good job. I'm not counting what dog. Did you eat it? Do you like a lot of a blueberry? I am going to become blue. ऐसे बीच बीच में रेस्टरूम भी पोर्टेबल लगाए रहते हैं, बैठने के लिए थोड़ा सेट वगैरह है, रेस्ट भी कर सकते हैं। ये बताइए, कोई मम्मा को याद नहीं कर रहा है? Yeah. Yeah, yeah. That is not good. Yeah. Let's call her. Yeah. Hey Siri, call Kanchan Sonkar on speaker. ऊपर ब्लू ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोडक्शन के लिए लगाए हैं। और अभी नई रो खोली गई है दो तीन, उसमें चलते हैं हम लोग। पिक कर लिया है, ये देखिए समर का है बड़ी बड़ी, मेरी छोटी वाली है, समीर का बिग बिग है, और घर चल के खूब खाएंगे, मम्मा को खिलाएंगे। So guys, I'll tell her to make some blueberry popsicles. Yeah, blueberry popsicle भी बनेगा। पिकिंग हो गई है, यहीं पे बैठ के चलेंगे खाना खाने के लिए। बहुत सारे पिकनिक टेबल बनाए हैं, लोग अपना खाना लेके आते हैं, बैठ के खाते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा फूड और आइसक्रीम वगैरह मिलता है। आई थिंक दो तीन हफ्ते बाद ये सब भी बहुत ज़्यादा लाइवली हो जाता है, और इधर का जब फार्म खुलता है तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और ये सारे ट्रैक्टर राइड भी शुरू हो जाती है। आप लोग का दिन कैसा जा रहा है? गुड। हाँ, चश्मा लगा के बोलो। खीरा है एंड ओरियो का बिस्किट है, और हम लोग मॉन्स्टर ट्रक बना दिए हैं, राइट? वेरी नाइस मॉन्स्टर ट्रक। हमारे टीम अपने लिए कुकुम्बर लेके आई थी और गोट को खिला रही है। Yeah? Okay, so then hop in the tractor. Okay. मस्त प्लेग्राउंड बनाया है, इसमें ट्रैक्टर है, इधर भी बना दिए हैं, टायर वगैरह का बनाया है। ये फार्म का स्टोर है, और इनके ही फार्म का ये सब चेरी है, येलो रेड ब्लूबेरी, और बहुत सारे इनका होममेड बनाया हुआ पाई ब्रेड हर एक चीज़ रहता है, डोनट वगैरह है। सो मैंने कुछ टॉयज भी है बच्चों के लिए, यहाँ पे स्मॉल बेकरी है। इंडिया की एक बहुत पॉपुलर स्टोरी देखे होंगे आप लोग कि एक औरत है, एक औरत का पिक्चर है जिसमें कि वो अपने गाय को लेके जाती है मंदिर के सामने, गाय को खड़ा कर देती है और घास अपनी काट के लेके जाती है। तो मंदिर में पूजा करने वाले जो लोग आते हैं उसे घास खरीदते हैं और उसी की गाय को खिला देते हैं। तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। इन्हीं के स्टोर से हम लोग गोट फीड खरीद के लाए हैं और इन्हीं की गोट को खिलाएंगे, हमारा बस पैसा जाएगा। ऐसे लेके खिलाने का, ओके? Hold on, guys. Hold on, guys. Hold on, guys. Hold on, guys. A super style. Where? All hold on, guys. Hold on, hold on, hold on, guys. Hold on. पहले यहाँ बताओ कैसा लगा? Good. Really? More. उसको ट्रेस को उठाओ। हाँ? हाँ, रिसाइकिल आते रिसाइकिल में डालो। चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी टीम भी थोड़ा सा टायर्ड है क्या? प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय, सी यू लेटर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।